मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रभात। इस समय मौजूद है मुंब्रा के तारुलफला मस्जिद के पास और आपको बता दें कि आज तारुलफला मस्जिद में यहाँ पर जितने भी नमाज पढ़ने लोग आए थे, दरअसल तारुलफला मस्जिद ही नहीं बस मुंब्रा शहर के और भी मस्जिदों में जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आए वो अपने हाथों में टाली पट्टी बांध कर जो है उन्होंने नमाज पढ़ी और फिलिस्तीन के हक में दुआ मांगी गई है। लगातार आपको बता दें कि जिस तरह से दो तीन दिन से जुमा की नमाज के बाद जो है एक ह्यूमन चैन बनाकर प्रोटेस्ट करने की बात कही जा रही थी, तो शहर के तमाम उलमा इकराम और इसके अलावा राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग भी जो है इसको लेकर मीटिंग कर रहे थे कि जुमा के दिन जो है नमाज के बाद जो है प्रोटेस्ट किया जाएगा, लेकिन पुलिस की तरफ से नवरात्रि पर्व चल रहा है इसलिए किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट न करने की जो है बात कही गई थी कि कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेगा। इसको देख प्रोटेस्ट की बात को देखते हुए मुंब्रा पुलिस ने वसीम सैयद और इसके अलावा और भी करीब 15 से 20 लोगों को नोटिस भी दिया है, लेकिन आज जुमा की नमाज के दौरान मुंब्रा शहर के तमाम मस्जिदों में काली पट्टी बांध कर फिलिस्तीन के हक में दुआ मांगी गई है। हालांकि जुमा की नमाज खत्म होने के बाद तारुलफला मस्जिद के पास में ही एक शख्स जो है वो काली पट्टी जो लोग बांध कर गए थे कई लोगों के हाथ से काली पट्टी खोल लिया और रोड पर ही रखकर जो है वो पैसे मारने लगा कि काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट जो विरोध जताया जा रहा है इससे क्या होगा, करना ही है अगर तो अच्छे से, और विरोध करो, इस तरह की वो बातें सब कर रहा था जिसको पुलिस ने पकड़ा और हिरासत में ले लिया है, उसे मुंब्रा पुलिस लेकर गई है। देखेंगे आप कि दारुलफला मस्जिद के पास में भी पुलिस का भारी बंदोबस्त लगाया गया है ताकि किसी भी तरह का माहौल ना खराब हो। यहाँ पर खुद जो है ACP विलास शिंदे और मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI NV कोलाशकर भी मौजूद है। हालांकि दारुलफला मस्जिद में जो नमाज पढ़ने लोग आए थे काली पट्टी बांध कर उन्होंने जो है नमाज पढ़ी, फिलिस्तीन के हक में दुआ मांगा और नमाज पढ़ने के बाद कुछ लोगों से हमने बातचीत की है, क्या कहा है लोगों ने आपको सुना। आज क्या दुआ मांगे है कि हर अभी जो भी हो रहा फिलिस्तीनियों पर ये जो काली रिबन बांध के सब मस्जिदों से बाहर निकल रहे हैं और लगभग सबके हाथ में काली रिबन बने, तो ये काली रिबन क्यों बांधी? आपको भी मालूम है फिलिस्तीनियों का कैसा जुल्म खत्म हो रहा है, वो हिसाब से भी हम लोग ने एक अपने अपने हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट तो निकलना तो आई नहीं पहली बात, दूसरी बात हम लोग वही दुआ कर रहे हैं कि जो भी जुल्म खत्म हो रहा है उनको प्रोटेस्ट के लिए बांधे, फिलिस्तीन के प्रोटेस्ट के लिए बांधे हमने, जिसमें हम फिलिस्तीन फ्री का बताने वाले कि फिलिस्तीन को फ्री करो, आप बहुत जुल्म हो रहे बच्चों के लिए दुआ मांगी गई, बहुत मांगी।